Hi everyone, this is Irfani. You're watching me at Rewind with Samina Peerzada. If you like this video, please like and comment and subscribe to this channel. Thank you. Rewind with Samina Peerzada mein mere aaj ke mehman hain Imad Irfani. एक मॉडल हैं, एक एक्टर हैं और आजकल लोग उनको पहचान रहे हैं चीख की वजह से. आपने भी देखा होगा उन्हें, लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते. मैंने उनको बिलबोर्ड्स पे देखा है, उन्हें फैशन शूट्स में देखा है, चीख पे भी थोड़ा सा देखा था. लेकिन बहुत सारी बातें करके पूछ लेते हैं ना कि वो कौन है. तो आइए मिलते हैं इमाद से. थैंक यू सो मच इमाद कि आप आए, आपने वक्त निकाला और आप यहाँ बैठे हैं. थैंक यू सो मच समीना जी, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे. एंड इन ऑल ऑनेस्टी, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी एट योर शो. नो, आई एम ग्लैड यू आर हियर. मैं आपकी तस्वीरें देख रही थी काफी अरसे से, बड़ी बड़ी फैशन शोज में मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपके बिलबोर्ड्स देखती हूँ. हाँ, तो ये कैसा लगता है भाई, ये बिलबोर्ड्स पे, इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे हो, हर जगह हो, चमक रहे हो, दमक रहे हो, कैसा लगता है? वेल, जिस तरह कोई डॉक्टर या इंजीनियर काम करता है, उसी तरह मेरा काम जो है वो पब्लिक की आंख के सामने है. सो बस अच्छा लगता है. और मेरे ख्याल में हर चीज़ एक मेहनत का नतीजा होती है. एंड मेहनत हमेशा ज़ाया नहीं जाती, कभी भी ज़ाया नहीं जाती. इसलिए आई थिंक 17 साल पहले ये जर्नी मैंने शुरू किया. अच्छा. और 17 साल बहुत लंबा अरसा होता है, इट्स अ लाइफ टाइम. आई वॉज अभी शूटिंग किसी के साथ, तो उसमें माय कोस्टार वाज 17 इयर्स ओल्ड. सो आई वाज लाइक ओके, ठीक है, ठीक है. लेकिन वही वाली बात कि अपने आप को री इन्वेंट करते रहो, मेहनत करते रहो, बिकॉज आई थिंक हर फेज आपकी लाइफ का एक नया चैलेंज लाता है, एक नई फेज लाता है, और आपको हर वक्त अपने आप को रीडिस्कवर करना होगा. अच्छा, तो ये चीख में जो कैरेक्टर किया है, इससे उम्मीद थी कि लोगों को इतना इंटरेस्ट डेवलप होगा, लोगों को पसंद आएगा? समीना जी, मेरे ख्याल में हमारे हाथ में रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं होते हैं. अच्छा. हमारे हाथ में जो कंट्रोल में होता है, दैट्स आपकी एफर्ट, आपका एटीट्यूड, और उस वक्त आप सेट पे क्या क्रिएट करते हो. हाँ. आप किस तरह रिस्पेक्ट से लोगों को ट्रीट करते हो. अच्छा, लोगों के बारे में ये कहा जाता है जो मॉडल्स होते हैं कि ये मॉडल एक्टर नहीं बन सकता, तो ये मिथ को कैसे तोड़ा? बहुत मेहनत की कैसे तोड़ी है मिथ, मतलब क्या मेहनत की? आई वांट टू नो. मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं कि मैं वैसे भी बहुत शाय हुआ करता था, और जब एक्टिंग बचपन से, बचपन में बहुत कॉन्फिडेंट था. आई बिलीव कि बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कि बचपन से जानते हैं तो वो क्या जिंदगी में करना चाहते हैं. बचपन से शुरू करते हैं. क्या ना, बचपन कहाँ पैदा हुए? माई फादर वॉज इन द आर्मी, वो आर्मी में थे, तो उनकी पोस्टिंग पेशावर में थी. Oh. तो आई वॉज बॉर्न इन पेशावर. तो इससे क्या हुआ था, कुछ तोड़फोड़ हुई थी पर्सनैलिटी में, क्योंकि अब दोस्त तो छोड़ जाते हैं हर दफा पीछे. हाँ जी, बिल्कुल. हर दफा नई पोस्टिंग होगी. बिल्कुल, बिल्कुल. तो नया स्कूल, नई टीचर. बिल्कुल, बिल्कुल. इवेंचुअली उन्होंने आर्मी से रिजाइन किया जब मैं 10 या 11 साल का था, और फिर हम इवेंचुअली लाहौर शिफ्ट हो गए 1995. तो कहाँ कहाँ घूमे जी? मैं पेशावर में पैदा हुआ, फिर उनकी सऊदी अरेबिया में पोस्टिंग हुई, देन ही वाज एन इंस्ट्रक्टर स्टाफ कॉलेज क्वेटा, देन वॉर कोर्स रावलपिंडी, देन टैंक्स का हेडक्वार्टर खारियाँ, फिर GHQ रावलपिंडी, एंड इवेंचुअली जब उन्होंने जे एस हेडक्वार्टर लास्ट उनकी पोस्ट थी, उधर से रिजाइन करके जब उन्होंने जॉब लाहौर शिफ्ट हुए, तो फिर ऑब्वियसली आपको भी शिफ्ट होना पड़ा. तो काफ़ी अच्छा टाइम था वो. बहुत तो मिस करते थे पुराने दोस्त और पुराने स्कूल. मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे बहन भाई जो मुझसे बड़े थे, उनके लिए अब मैं सोचता हूँ तो काफ़ी मुश्किल हो गया. मेरा एक भाई और एक बहन है. मुझसे भाई मुझसे 7 साल बड़ा है, और मुझसे बहन मेरी 5 साल बड़ी. आई एम द यंगेस्ट, एंड प्रॉब्ली द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. बहुत तंग किया अपनी फैमिली को, बहुत फिक्र दी पेरेंट्स को कि इसका क्या बनेगा. क्यों? शरारती थे बाल? शरारती इतना नहीं था, पढ़ाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, पैशनेट था बहुत स्पोर्ट्स के बारे में. बस कुछ गलत टीचर्स मिल गए जिन्होंने कहना शुरू कर दिया कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तुम तो निकम्मे हो. और अनफॉर्चुनेटली वो व्यू जो था वो घर में आ गया, क्योंकि जिस तरह आपको टीचर व्यू करेंगे उसी तरह घर वाले आपको देखने लग जाएंगे.
सो जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता था वो थी या तो फुटबॉल फील्ड थी या तो क्रिकेट फील्ड थी। और ये किस उम्र में कहा गया था कुछ नहीं कर पाओगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट उम्र होती है जो 10 से 11 साल जो आपका चाइल्डहुड खत्म हो रहा होता है। दिस इज रावलपिंडी। अच्छा। दिस इज रावलपिंडी इस्लामाबाद। और क्रिकेट का बहुत शौक था, मैं सोता जागता पीता क्रिकेट था। और जब ये सब ये नहीं कर रहा होता था मैं या तो इमरान खान की बुक पढ़ा होता था या तो विव रिचर्ड्स के बारे में पढ़ रहा होता था। सो और कोई और किताब नहीं पढ़ते थे, कोई स्टोरी? बस वही स्टडीज से अनफॉर्चुनेटली टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने मुझे केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स से एक नफरत सी करवा दी और मुझे नहीं पसंद था पढ़ना बिल्कुल। मुझे पता था मैं तो पाकिस्तान का कैप्टन बनूंगा। आई वॉज दिस कॉन्फिडेंट कि मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर नहीं, मैं पाकिस्तान का कैप्टन बनूंगा। आई वॉज दिस कॉन्फिडेंट। लेकिन शायद उस वक्त मुआशरे में इतनी एक्सपोजर नहीं था, इस तरह के ड्रीम्स देखने वालों को इनकरेज नहीं किया जाता था, उनको पुट डाउन किया जाता था, उनको डिस्करेज किया जाता था। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये। और लेकिन उस जब बच्चों को डिस्करेज किया जाए, बच्चे भी तो कोई चीज़ कोई गिरा बांधते हैं ना कि बच्चों मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। हाँ, तो क्या गिरा बांधी थी? मैं रेबल बन गया। हाँ। मैं रेबल बन गया कि ठीक है करना है सो कर लो, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। अच्छा। मैं पढ़ूंगा ही नहीं, हाँ मैं क्रिकेटर बन के दिखाऊंगा आप सबको। मेरे ख्याल से गलत है। मेरे ख्याल से करियर काउंसलिंग, अब मैं जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है जाने का, लेट्स से लम्स इंस्टीट्यूशन में मेरी अभी एक आई वाज गिविंग अ टॉक, तो करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त कोई आपको अंडरस्टैंड करने वाला नहीं होता कि इसकी क्या फीलिंग्स हैं, इसके क्या इमोशंस हैं। तो क्रिकेट लेके गई आगे आपको या नहीं? मैं लाहौर जूनियर्स खेला एंड मैं पाकिस्तान जूनियर्स की तरफ गामजन था कि एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से आई वॉज शैटर्ड टू पीसेज। मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ी। आई गॉट अ स्ट्रेस फ्रैक्चर इन माई एंकल और मुझे कहा गया डॉक्टर्स ने कि आपको 2 साल लगेंगे टू रिकवर। और इतनी कम्पिटिटिव फील्ड के अंदर जब आप 18 साल के हो और आपको कहा जाए कि अब 2 से 3 साल बाद यू कैन मेक अ कमबैक, सो समीना जी आई वॉज शैटर्ड टू पीसेज। मैंने अपने आप से कहा कि जो भी तुम्हें डिस्करेज करता था, जो भी कहता था तुम नहीं कर सकते, वो बिल्कुल ठीक कहता था। और उसने मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरी सेल्फ एस्टीम को, मेरी सेल्फ एस्टीम को, मेरी कॉन्फिडेंस को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। आई कुडंट लुक पीपल इन द आई, आई कुडंट स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, आई हैड अ लिस्प आल्सो, आई यूज्ड टू हैव अ स्पीच इम्पेडिमेंट। और फॉर एन एक्टर वो तो बहुत देर बाद मैंने शुरू की, लेकिन ये सारी चीज़ों को ओवरकम किया मैंने। और इसमें अब्बू और अम्मी कहाँ थे इस दौरान में जब ये सब हो रहा था? वो क्या ख्वाब देख रहे थे जो नहीं पूरे किए? वो चाहते थे कि मैं एक ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनली और रैशनली वाइट कॉलर पढ़ के, उनका ख्वाब था कि मैं ग्रेजुएट करूं, क्योंकि मेरे भाई और बहन एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे, दे वर लीडर्स इन देयर क्लास, मैं नहीं था। तो एक इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, शायद वो आ गया मुझ में कि मैं, वॉट इज़ रॉन्ग विद मी, मेरे साथ क्या ख़राबी है, वो इतने अच्छे हैं मैं क्यों नहीं हूँ। और शायद यही इमोशनल डिसऑर्डर था जो कि मुझे शाइनेस की तरफ ले गया। वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। और मैं बिल्कुल भी कभी अम्मी से बात की कि जो भी फील हो रहा था, जो भी जिस चीज़ से भी गुजर रहे थे? नहीं नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ। कोई दोस्त नहीं था जिससे बात कर सकते? नहीं, सिर्फ जहाँ पे मुझे सोलेस मिलती थी, कुछ रिफ्यूज मिलती थी, वो थी फुटबॉल फील्ड या क्रिकेट फील्ड या म्यूजिक या मूवीज। तो कभी नहीं सोचा किसी काउंसलर के पास जाऊँ, किसी थेरेपिस्ट के पास जाऊँ? नहीं, ये सारी चीजें तब सोची जब एक एक्टर बनाऊ, क्योंकि मैंने अपने आप से बहुत सवाल किए कि एक एक्टर बनने जा रहे हो, तुम्हारा अपना रोल क्या है लाइफ में, क्या अब तक अपनी कहानी में तुम लीड रोल प्ले कर रहे हो, विलन का रोल प्ले कर रहे हो, या कोई एक्स्ट्रा हो जिसके कहानी में होने या होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता? तो ये सारा कुछ अकेले सहा? माय वाइफ, नो बट शी कम्स लेटर, मानी जाने पहले अभी ये टीनेज की बातें करेंगे। जी जी, बस वेल जी कह सकते हैं, लेकिन था वही वाली बात तो कि मैंने कुछ लिखते थे उस दौरान?
हाँ वेंट कैसे करते थे ये जो कुछ हो रहा था अंदर? मैं एक म्यूजिक ग्रुप है क्वीन, हाँ मैं उनका पता नहीं इतना डाई हार्ट फैन बन गया बिकॉज आई थिंक दे सेव माई लाइफ. अच्छा. इस दौरान जो भी मैं टर्मोइल से गुजर रहा था, मुझे वो एक चीज थी दैट आई थॉट बिलोंग्स टू मी. एंड मैं उनका 27 साल से फैन हूँ और दे हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन हु आई एम. मैं फैन नहीं हूँ बल्कि देर आर पार्ट ऑफ मी आई से. अच्छा, वो किस तरह गाने सुनते थे उनके? जी जी, आई बिकेम ऑब्सेस्ड उनके उनके लिरिक्स, उनके म्यूजिक, और मुझे एक सर्टेनिटी मिलती थी कि देर इज होप. अच्छा, तो खुद कुछ नए म्यूजिक करते थे, खुद गाते थे? शौक था लेकिन वो जो एक शाइनेस, एक ऐसी फोर्स है जो कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह जकड़ लेती है और आपकी हर चीज को फिर वो डिक्टेट करती है, चाहे वो आपके गोल्स हों, एस्पिरेशंस हों, आपके फाइनेंशियल स्टेटस हो, यहाँ तक कि हाउ मच ऑफ अ फ्यूचर वी अलाउ अवरसेल्फ्स टू बिलीव, शाइनेस कंट्रोल्स दैट. सो ये सारी चीजें, तो ऐसे लोग जो बहुत शाय होते हैं कभी, वो तो या तो राइटर्स होते हैं या पोएट्स होते हैं या लिरिसिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, और अगर नहीं होते कुछ भी तो वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, है ना? तो उस तरफ तो नहीं गए ना? नहीं नहीं. सो व्हाट केप्ट यू गोइंग? स्पोर्ट्स व्हाट केप्ट मी गोइंग? आई गेस यस, द पैशन फॉर स्पोर्ट्स, द पैशन. समीना जी, मेरे ख्याल से एज ह्यूमंस हमारे में बहुत एक प्राइमरी नीड होती है टू फील सिग्निफिकेंट. हां, शायद मॉडलिंग की तरफ भी इसीलिए मैं आया था कि मुझे इधर अपनी अचीवमेंट्स, अपने बारे में बेहतर फील. क्या उम्र थी जब मॉडलिंग में? मैं मॉडलिंग में आई केम 20 साल की उम्र. अच्छा, ये कॉलेज खत्म कर लिया था उस वक्त? आई वाज डूइंग अपना बैचलर्स कर रहा था. हाँ. और तब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की. मुझ में इतनी करेज नहीं थी टू उस वक्त टू टेक इट फुल टाइम. तो आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, फिर आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, फिर आई वाज आल्सो वर्किंग एज अ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर इन अ कॉर्पोरेट फर्म. So modeling was always, really? जी, modeling was always on the side. हाँ. 2012 में आसिम रजा का एक कमर्शियल था जिसमें माहिरा खान was playing my lead, female lead. वहाँ पे एक life altering moment हुई जहाँ से मैंने अपने आप से the greatest question ever asked, why not acting? Hmm. जी, वो ये था कि I couldn't deliver एक shot, last shot of the commercial. और मैं वहाँ पे फंस गया, प्रेशर में आ गया, एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग विद एन एक्टर वेंट रॉन्ग ओवर देयर. जब कोई 45 मिनट्स बाद, 1 आवर बाद वो शॉट अप्रूव हुआ, आई वाज फीलिंग वेरी एग्जास्परेटेड. कितने टेक्स की थी? एटलीस्ट कोई 15 टेक्स हुई होंगी. 15 से 18 टेक्स हुई होंगी. लेकिन प्रेशर बिल्ड होता रहा, और जितना आप प्रेशर को अपने ऊपर हावी करते हो वो आपको कंट्रोल करता है. एक मोमेंट आ गई कि आई वाजंट इवन लुकिंग एट माहिरा एंड आई वाज लुकिंग कहीं साइड पे, एंड माहिरा को इमाद प्लीज लुक एट मी. हाँ, 2-3 टेक्स बाद आसिम मुझे साइड पे लेकर गए एंड ही वाज लाइक, इमाद रिलैक्स, वी ऑल आर हियर, कोई थ्रेट नहीं है. लेकिन मेरा स्किल लेवल नहीं था वो कि मैं ये सब समझ सकूं. जब ख़त्म हुआ तो मैंने अपने आप से वादा किया कि नेवर अगेन will I put myself in this kind of situation where I will not be able to deliver. मुझे अपने आप पे काम करना है. मुझे once again आप change करते हो या तो desperation में या तो inspiration में. So दोनों चीज़ें उधर मुझे आई और वहाँ से एक journey शुरू हुआ. और अब ये है कि I believe कि किसी भी चीज़ को आप हासिल कर सकते हो अगर आप एक single minded focus के साथ action लो. क्योंकि यू कैन रीड ऑल द मोटिवेशनल बुक्स, ऑल द मोटिवेशनल कोर्स, लेकिन नथिंग इज गोइंग टू हैपन जब तक आप बाहर जाके उस चीज की तरफ नहीं जाओगे. यू हैव टू टेक एक्शन. उधर अपने आप से एक वादा किया है कि अब मैं जिम्मेदारी लूंगा अपनी जिंदगी के लिए और हालात का सामना करके इस कहानी का जीरो से हीरो बन के दिखाऊंगा. तो मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो लोग इतने शाय होते हैं और वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो सुबह को बिस्तर से फिर कैसे उठते हैं? बिकॉज गेटिंग आउट ऑफ द बेड मीन्स फेसिंग द वर्ल्ड. बिल्कुल, मोटिवेशन जो है ऐसी चीज है कोई आपको दे नहीं सकता. और तो फिर किस तरह जाते थे रोजाना एवरी डे जिंदगी को फेस करने? बस ठोकरें खाई, काफी भटके,
और लाइफ मेरे ख्याल में इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस. वो एक्सपीरियंसेस भी अब आए वो और अगर आप एक एक्टर हो आपसे ज़्यादा ये कौन जानता होगा कि आप जज्बात और एहसासात के खिलाड़ी बन जाते हो. तो वो जज्बात अपने अंदर इतनी देर रखे और तो फिर यही अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना शुरू किया, अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया. कैसे फेस किया, बस टाइम तो गुजर जाता है. आई मीन आइदर यू कैन डू इट दिस वे और दैट वे, आपका माइंड बताएगा कि आप उसको कैसे करोगे. तो वो वाला मोमेंट कौन सा था जब ये महसूस हुआ कि आई हैव अराइव्ड, कि मैं अब कुछ हूँ? समीना जी, आई थिंक यू नेवर अराइव, क्योंकि एक टर्म होती है स्ट्रगलिंग एक्टर. हाँ, लेकिन फिर भी कि क्या वो एक मॉडलिंग की शूट थी या कोई रैंप पे थे कि लगा के अब वो वाली बात नहीं है, अब कुछ और तरह का कॉन्फिडेंस है? आई थिंक अभी भी आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, अभी भी काम कर रहा हूँ. और मेरा तो यही है कि स्ट्रगल नेवर एंड्स. रियली? जी, स्ट्रगल नेवर एंड्स. अम्मी और अब्बू की अप्रूवल कब मिली? अब जाके मिल रही है. अब जाके मिल रही है, लेकिन माशाल्लाह दे बीन सपोर्टिव. अच्छा. उनको भी मालूम था कि ये शायद मेरे लिए लास्ट रोल ऑफ द डाइस है. आई एम ऑल इन. जब मैंने एक्टिंग की तरफ कदम रखा तो यही उन्होंने कहा कि मेहनत करो. और मेरे फादर ने थिएटर किया हुआ था अपने यूनिवर्सिटी के ज़माने में. सो उन्होंने कहा कि शीशे के सामने मेहनत करो, डायलॉग्स मेहनत करो. और की मैंने मेहनत, और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी. और आई गेस रिजल्ट्स आर शोइंग नाउ. खुश हो? जी, यू कैन से कि जी खुश हूँ. क्योंकि जब मैंने कहा कि मैंने अपनी कहानी को जब एनालाइज किया, तो मैंने उधर अपने आप से एक वादा किया है कि अब मैं जिम्मेदारी लूँगा अपनी ज़िंदगी के लिए और हालात का सामना करके इस कहानी का ज़ीरो से हीरो बन के दिखाऊँगा. नाइस. ज़ीरो से हीरो. जी, ज़ीरो से हीरो. और मैं समझती हूँ कि कभी भी ज़ीरो नहीं थे. हाँ, शायद अपनी आँखों. जो शख्स स्पोर्ट्स खेले, हाँ जी, जो शख्स उठे बिस्तर से और जाए और जाकर फील्ड में खेले बाकायदा तौर पर, और मतलब ऐसे ही नहीं कि सिर्फ आप अपनी सड़क के ऊपर खेल रहे हैं, पर आप बाकायदा फॉर्मली खेल रहे हैं, तो ज़ीरो तो कभी नहीं थे. हाँ, लेकिन जो ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं हुए. तो अपनी नज़रों में क्या ख्वाब देखा? इमाद नन्ना इमाद क्या ख्वाब देखता? वो देखता था कि वो बैगी ग्रीन पहनेगा, वो इमरान खान की तरह घुंघराले बाल होंगे, वाइट शर्ट पहनेगा, उसका करिश्मा होगा, वो बात इमरान खान की तरह करेगा, और वो जहाँ पे भी जाएगा उसके वो एक इंस्पिरेशन होगा, वो एक हीरो होगा. ये ख्वाब देखता था उस वक्त. नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स डिड आई एवर कंसीव कि आई एम गोइंग टू बी एन एक्टर. लेकिन गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज. Here I am and I love what I do now because. तो maybe इस रास्ते से जो गुजारा, ये जो उस शख्स ने, जो भी वो टीचर था या थी जिसने छेड़ा और कहा कि you're not good enough, उसने वो बीज बो दिया कि you're good, you're more than enough. जी, अब पता है, इसके हमें पता नहीं होता कि रिएक्शन क्या हुआ है ना, क्योंकि वो बीज बो, अगर ना बीज बोया होता मे बी आप उसी डगर पे चल रहे होते. हाँ, लेकिन अननोइंगली काफ़ी बुरे बीज बोए ना उन्होंने. यानी अब तक उन लिमिटिंग बिलीफ से मैं स्ट्रगल करता हूँ. आई विल बी टोटली ऑनेस्ट विद यू, आई डू स्ट्रगल विद दोज लिमिटिंग बिलीफ्स. और आपके फॉर्मेटिव ईयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आई बिलीव कुछ बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कि जानते हैं शुरू से वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं. वो ज़िंदगी में शीयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अश्योरिटी के साथ आगे जाते हैं. फिर कुछ लोग होते हैं जो कि टर्बुलेंस, चैलेंजेस, सेटबैक्स से अपने पर्पस की तरफ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं हु हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि वो क्या चाहते हैं जिंदगी से. तो उन टीचर्स के लिए गुस्सा भर दिया आपके अंदर या आपने माफ कर दिया? काफी देर तक गुस्सा था. अच्छा? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे इश्यूज क्या है. सो जो एक इमोशन था वो गुस्से का था. एक इमोशन जो था इंपेशेंट और एग्जास्पिरेशन का था. तो डिस्ट्रक्टिव तो नहीं था ना? डिस्ट्रक्टिव था, अपने लिए डिस्ट्रक्टिव था. और मेरा ख्याल है कि गुस्सा जो होता है इज अ साइन ऑफ बीइंग हेल्पलेस. आप हेल्पलेस होते हो तो आप अपना गुस्सा, बिकॉज गुस्सा अकल को खा जाता है. और
अब काफ़ी काम किया है, काफ़ी एंगर मैनेजमेंट, काफ़ी इमोशंस के ऊपर काम किया है, और अब जाके एज यू सेड के व्हेन वाज द मोमेंट डू यू थिंक आई हैव अराइव्ड, आई थिंक आई एम समवेयर ऑन द वर्ज ऑफ अराइविंग. सो अपना एटीट्यूड ठीक किया, अपना माइंडसेट ठीक किया, अपने आप को बताया क्या हुआ अगर इतने फेलियर्स देखे, कुछ नहीं हुआ. अपने साथ कैसे हो, अपने दोस्त हो या अपने साथ, यू आर नॉट काइंड टू योरसेल्फ, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि होता है कुछ लोग जो किसी की बात सुन के इतनी तकलीफ से गुजरे वो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं. काफ़ी देर तक अपना दुश्मन था, लेकिन इस प्रोफेशन ने काफ़ी मेरे इश्यूज को सॉल्व किया है. सेल्फ थेरेपी ने शाइनेस की कैद से आज़ाद किया मुझे. अपने खिलाफ जो मैं सालों साल प्रोपेगेंडा रन कर रहा था कि तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं कर सकोगे, अपने दुश्मन बन गए. अपने दुश्मन वो प्रोपेगेंडा, और प्रोपेगेंडा में हर चीज़ सच होना ज़रूरी नहीं होती है, जस्ट नीड्स टू बी रिपेटिटिव इनफ और वो कन्विंसिंग बन जाता है. सो इन लिमिटिंग बिलीव्स को, ओल्ड प्रोग्रामिंग को चेंज कैसे किया, ये मुझे जानना है कैसे किया. काफी काम किया, काफी क्या क्या किया ये, क्योंकि ये बहुत डीप रूटेड हो जाती है ये. जी हाँ, ये जो दूसरों की बात को अगर आप लेना शुरू कर दें और फिर अपने आप ही को सरजनिश करें और अपने आप को डांटें और अपने आप को कहें यू नॉट गुड एनफ, तो ये कैसे निकले? आई वांट टू नो क्या क्या स्टेप्स लिए टू बी हु यू आर टुडे, यहाँ जो बैठे. आई थिंक सबसे पहले तो आपको अपना दोस्त बनना होता है. ठीक है, क्योंकि हम सब के दिमाग में एक आवाज चल रही होती है जो कि हमें बताती है तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते. वो आवाज या तो आपका आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकती है, सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है. और वो आवाज क्या होती है? आपके इमोशंस, आपका एटीट्यूड. एटीट्यूड इज एन इमोशन. विद द राइट एटीट्यूड वी कैन मूव माउंटेंस, एंड विद द रॉन्ग वन वी कैन क्रश्ड बाय द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ सैंड. सो अपना एटीट्यूड ठीक किया, अपना माइंडसेट ठीक किया, अपने आप को बताया क्या हुआ अगर इतने फेलियर्स देखे, कुछ नहीं हुआ. एनीथिंग कैन बी अचीव्ड इफ यू पुट योर माइंड एंड इफ यू वर्क डे इन डे आउट. और ये चोट लगने के बाद जब वो हेलन फ्रैक्चर हुआ था, जी उसके बाद ये शुरू हुआ, उसके बाद तो डाउनफॉल शुरू हुआ ना, उसके बाद तो रॉक बॉटम की तरफ. और ये कितने साल रहा ये रॉक बॉटम? रॉक बॉटम रहा कोई 7-8 साल तो रहा, यानी काफी द गुड पार्ट ऑफ माय 20s. जी ये बहुत लंबा अरसा है. बहुत लंबा अरसा है, इसलिए मैं जो लोग भी शाइनस से इंट्रोवर्ट हो गए ना, इंट्रोवर्ट अंदर चले गए, और बहुत कैजुअली हम शाइनस को लेते हैं कि मैं बहुत शाय हूँ, वो बहुत शाय है, लेकिन शाइनस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आपकी रिलेशनशिप्स को बहुत इफेक्ट करता है. आप ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. शाइनस या ये डिप्रेशन था? शाइनस इसको हम कैजुअली कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको इसके सब टेक्स्ट में या डिटेल में जाएं तो इट इज अ मेंटल इमोशनल डिसऑर्डर. मुझे लगी जाकर उन्होंने भी कहा और फिर चोट भी लग गई, तो वो यू नो मल्टी ट्रॉमा प्रॉन्ग्ड हो गई ना. अच्छा, फिर ये किया कि अपने आप से बात की, अपना दोस्त बने. सेकेंड स्टेप क्या किया? सेकेंड स्टेप मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये सब कुछ क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे गुजरते हैं इससे, हमारा यूथ गुजरता है इस तकलीफ से जिससे आप गुजरे इमान. और जो आप जिस तरह निकले हो, आप जिस तरह नजर आ, यू आर लाइक अ ग्रीक गॉड नाउ, है ना, ऊंचा लंबा खूबसूरत हसीन आदमी, यू नो, और अब सक्सेसफुल भी. तो उसके पीछे जो हुआ, आपसे बहुत लोग सीखेंगे, बहुत लड़कियां, ज्यादा लड़के, है ना जी. उस क्या किया, सेकंड स्टेप ये किया कि मैंने समझा कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है. हाँ. और ये स्किल भी लर्न किया जा सकता है. अच्छा जी, ठीक है. उसके अंदर बहुत एक डिटेल स्टडी शुरू हुई, अपनी आवाज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने आई कॉन्टेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, और सबसे बड़ी बात अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें मुझे इसके टीचर्स मिले नहीं, सब कुछ आई एम सेल्फ लर्न्ड. सब कुछ खुद सीखा, खुद से सीखा. हाँ, और ये मॉडलिंग में भी आया होगा बिकॉज यू वर मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल. हाँ जी, लेकिन आई वॉज वेरी शाई, इवन इन मॉडलिंग डेज आई वॉज वेरी शाई. जब एक तहिया किया कि एक्टिंग करनी है, वहां से एक जर्नी शुरू हुआ पर्सनल ग्रोथ का. और पहला कैरेक्टर क्या प्ले किया था? पहला कैरेक्टर शरियार मुनव्वर और सजल अली का एक प्ले था, आसमानों पे लिखा. हाँ. वो मेरा पहला प्ले था, एज एन
स्टोरी टेलिंग में पहला प्ले था, वैसे कमर्शियल्स वगैरह मैंने किए हुए थे, लेकिन एक स्टोरी टेलिंग वो वंस अगेन आई वाज, इट वाज लाइक बीइंग बॉर्न अगेन. मैं आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया एट टाइम्स कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप अनकम्फर्ट से गुजरते नहीं हो तब तक एक्सपीरियंस हम किसको कहते हैं गलतियों को, क्योंकि सक्सेस प्रोग्रेस कम्स फ्रॉम गुड जजमेंट, गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स. सो गलतियाँ की, काफ़ी सीखा. शुरू में लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया क्योंकि वो एज अ मॉडल आपको जानते हैं, और टोटली किसी डिफरेंट फील्ड में जाके अगर आप अपने आप को मनवाना चाहते हो तो आसान नहीं होता, और मुझे मालूम था कि आसान नहीं है और आसान नहीं होगा. और फिर जब कुछ लोगों को जिनके ओपिनियन को रिकॉर्ड करता था उन्होंने कमज़ोर कहा, तो वहाँ से फिर और एक नेगेटिव को पॉजिटिव में लिया कि अब मुझे बहुत ज़्यादा आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. को ऐसे किया कि मंटो साहब के कोई 400 कहानियां पड़ी मुझे आवाज में. तो वहां से एक पर्सनल ग्रोथ का, वैसे ही मंटो साहब इज अ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ माहिर नफ्सियात, वहां से भी एक लर्निंग प्रोसेस शुरू हुआ, उनके एक्सपीरियंसेस स्पीकिंग अबाउट एक्ट्रेसेस प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, और आवाज़ का भी वहाँ से जो काम था वहाँ से ही शुरू हुआ. तो लिस्ट को वहाँ से करेक्ट किया मैंने. सो एक्चुअली जो जिंदगी जो जी रहे थे लोग उनके करीब हुए तो फिर अपनी जिंदगी समझ आई, ये आप कह सकते हो, है ना? क्योंकि आप जब तक आप अकेले बैठे हैं आइसोलेशन में तब तो जिंदा नहीं है ना, फिर तो बस आप तो कुछ नहीं आप कर सकते. और यहाँ पे मैं कुछ लोगों को जरूर, पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट उन्होंने किया मुझे, और मेरी माय वाइफ शी इंस्टिल्ड द बिलीफ इन मी कि यू रियली डोंट नो हु यू कैन बी. पहली मोहब्बत क्रिकेट थी वैसे. अच्छा. जी, जो कि अब तक जा रही है, लेकिन okay. तो वो क्रिकेट और मरियम में कभी तनाव तो नहीं होता? पहले हुआ करता था. अच्छा. लेकिन अब नहीं होता, अब बिल्कुल भी नहीं होता.